जी सब खैरियत। और जो तुम्हारे बाबा और अहमद, तुम दोनों के निकाह के अरेंजमेंट्स के लिए गए हो, और इसे देखो, ये कह रही है कि ये तुम्हारी जिंदगी पे बोझ बन रही है। बोझ? हाँ बोझ तो है दिल पर। हाँ क्या? जारा, एक तो इस बात का बोझ कि सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है, और दूसरा ये कि तुम सब दुख सब परेशानियां इतने अरसे से अकेले बर्दाश्त कर रही थी। नहीं सॉरी। इट्स ओके, बस तुम चिड़चिड़ अच्छी लगती हो, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तुम पूछ रही थी ना कि दिल पे क्या बोझ है, तो तुम्हारे ये आंसू ये दिल पे बोझ है। हम सब तुम्हें कभी संभालने नहीं देंगे। संध्या, खुश? सारा, तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? किस बात पर अम्मा? बचपन से तुम्हें कोई खुशी नहीं दी मैंने, अब तुम्हें रुखसत भी ऐसे करना पड़ रहा है मुझे। हर खुशी तो दी है आपने अम्मा, 16 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला किया है आपने अम्मा। तलाक के बाद कोई भी होता तो वो जान छुड़ा लेता, पर आपने मुझे पैदा किया, मुझे पाला, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपने हर कदम पे कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सारा, वो सब तो हर माँ करती है, मैंने वो सब कुछ ही किया है, वो नहीं कर पाई जो हर माँ करना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मा, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि हर मर्द एक जैसा होता है, और कैनियाल भी उनमें से हुआ, तो जिसे आप मेरा बाप कहती हैं, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जारा, सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये जुमला उस जैसे दरिंदे के लिए नहीं कहा जाता। मेरा बाप भी तो था ना, बेहद मोहब्बत करने वाला, वो भी तो मर्द ही था ना। पता है सारा, जिसे बाप कहते हैं ना, मजबूत और घनी छांव का नाम है। हर मुश्किल में औलाद को कभी अकेले ना छोड़ने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। तो फिर ये सब कुछ मेरी किस्मत में क्यों नहीं था? इसलिए कि अल्लाह तुम्हें शादी के बाद बहुत सारी खुशियां देने वाला है। फिलहाल तो मुझे ये रिश्ता अपनी और दानियाल की जिंदगी का एक बोझ लग रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर दानियाल भी फ्रॉड निकला तो? अल्लाह ना करे जारा, उसने जितने मुश्किल हालात में तुम्हारा साथ दिया है, वो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर मैं भी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढती तो उस जैसा मुखलिस लड़का नहीं ढूंढ पाती। लेकिन अम्मा, मेरा यकीन करो जारा, बस दुआ करो कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जैसा हमने सोचा है। इंशाल्लाह। उस शख्स ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया,
इतनी बाइज्जत जॉब करने के बावजूद मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी। अगर अगर जारा ना होती तो पता नहीं कब की मर चुकी होती मैं। अरे आंटी प्लीज अपने आप को संभालिए, हौसला कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए ज्यादा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, I'm really sorry, मैंने जारा के लिए इतने बुरे लफ्ज इस्तेमाल किए। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए बेटा, बिला वजह खतरे में घसीट रहे हैं तुम्हें। अरे आंटी आपने क्या बात की, देखिए हम दोस्त हैं और इस मुसीबत के वक्त में अगर दोस्त ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो आखिर कौन आएगा। आजकल तो अपनों के खून सफेद हो गए, गैर तो फिर गैर है। अपना और पराया अपनायत की वजह से होता है अम्मा, जब मुश्किलों में गैर काम आए तो उसे ही अपना कहते हैं। जी आंटी जरा बिल्कुल ठीक कह रही है, रिश्ते सिर्फ अपनायत और मोहब्बत के होते हैं, बाकी सब तो महज धोखा है और कुछ भी नहीं। और वो धोखा अब मैं खुद को मजीद और देने के लिए तैयार नहीं हूं अम्मा। तुम्हारे बाप का फोन आप अटेंड नहीं करेंगे अम्मा, छोड़ दो। अम्मा उसने आपको तलाक दे दी है, वो किस हक से आपसे बात करता है? हम उससे कानून की जंग लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लड़ी थी ना कानून की जंग, कोशिश की थी ना उसके अगेंस्ट जाने की, फिर क्या हुआ? अपने माँ बाप की जिंदगी से हाथ धो बैठी, अब नहीं है मुझ में हौसला कुछ और खोने का। हेलो, जवाब दो, जारा का खाली निकाह हुआ है या रुखसती भी कर दी है उसकी? जवाब दो। निकाह हुआ है। तो फिर निकाहनामा मुझे दो, मैंने जिससे रिश्ता तय किया है मैं उससे बात कर सकूं। अच्छा देखो अजरा बेगम, मुझे निकाहनामा चाहिए वरना तुम्हारे बाप की कब्र के साथ दो तीन और कब्रों की जगह भी खाली है, सब इंतजाम कर रखा है मैंने। तू कर ले जो करना है, जिसके लिए मैं तुझ जैसे घटिया इंसान से डरती थी वो अब बहुत मजबूत हाथों में है। अगर ये आंख उठा के भी देखा ना उसकी तरफ तो आंखें निकाल लेंगे। कौन हो तुम और होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि ये जाएगी या नहीं जाएगी? जब कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी ये? वही तो पूछ रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं कि किस रिश्ते से कह रहे हो, बोल बोलो, पत्थर के क्यों हो गए? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन लगती है ये तुम्हारी बीवी है? ये मेरी निकाह कर चुका हूं मैं इससे,
और अब तुम इससे जिस भी लहजे में बात करोगे मैं तुमसे उसी लहजे में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डैड। डैड मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो ऐसा हुआ था कि मैं ज़ारा के घर में गया था तो शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैंने बहुत ही मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम्हारा हाथ थामा है और मुझे उम्मीद है कि उसी मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम भी मेरा हाथ थामोगी। मुझसे वादा करो कि सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी। नहीं, ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर वादा करो। मैं वादा करती हूँ। कैसा वादा? मैं वादा करती हूँ कि आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। नहीं किया तुमने। शेर के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की है तुमने। शेर के मुंह से इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। कर ले जो करना है। जिसके लिए मैं तुझ जैसे घटिया इंसान से डरती थी वो अब बहुत मजबूत हाथों में है। अगर ये आंख उठा के भी देखा ना उसकी तरफ तो आंखें निकाल लेंगे। अच्छा, तेरे मुंह में भी जबान आ गई है? जबान भी आ गई और तेरी हद बात का मुंह तोड़ जवाब भी है मेरे पास। मेरे आगे जबान चलाएगी? तेरी इतनी जरूरत? मैं अब तेरी बीवी नहीं हूं। तलाक दे चुका है तू मुझे। अगर मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी की या एक लफ्ज भी उल्टा सीधा बोला तो पुलिस को कॉल करूंगी। पुलिस? बुला पुलिस को, बुला।
हाँ? याद है ना, याद है, एक बार पहले भी बुलाया था पुलिस को, कितनी लाशें उठानी पड़ गई थी। अरे बुज़दिल, मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है। तू कर ले, तू कर ले, तुझे जो भी करना है, मैं भी तो देखूं एक बुज़दिल मर्द एक बेबस औरत पर अपनी मर्दानगी जताने के लिए क्या करता है। बुज़दिल, बुज़दिल हूं मैं। हाँ हाँ, बुज़दिल है तू। अरे बेटी पैदा होने का सुनकर बीवी को तलाक दे दी तूने, और आज जब बेटी जवान हो गई तो उसे किसी अमीरजादे के हाथों फरोख करने चलाया। लानत है तुझ जैसे मर्द पर। अरे मर्द तो वो होता है जो बीवी का कदम कदम पे सहारा बनता है। तुझ जैसे मर्द तो इस जमीन पर शैतान का अलाइकार होते हैं। दबा हो जाओ यहां से, और आइंदा मेरे घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। नहीं आऊंगा, लेकिन अब तू आएगी मेरे पास। सारा और उस लड़की की जिंदगी की भीख मांगने। अच्छा प्लीज आहिस्ता बात कीजिए, कहीं शहजाद ना सुन ले, वो यही है। सुन ले तो सुन ले, मैं मजे तुम्हारे इस फ्रॉड में साथ नहीं दे सकती। इस दिन तुम्हारी अम्मी की वजह से मैंने ये झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, इससे ज्यादा इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। शहजाद, कैसा झूठ? वो शहजाद, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं। तुम बकवास बंद करो। तुम मुझसे इतने बड़े बड़े ड्रामे करते आई हो, मुझसे जो तुम्हारे लिए जान देता है। फाइनली हमने होटल रूम में चेक इन कर लिया, अब हम 15 दिन के लिए यहीं पर रुकेंगे। ओके, क्या हो गया जारा? कमान देखो, हम 2 घंटे की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारे बाबा तो क्या, उनके फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। दानियाल, अम्मा वो तो वही है ना। अरे तो क्या हुआ, हिबा और अहमद है ना वहां पर, वो केयर करेंगे उनकी। ओके,
पक्का ना हो? इंशाल्लाह। अच्छा सारी बातें छोड़ो और एक बात तो बताओ। पूछो। देखो पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा लड़ाई झगड़ा बहुत मशहूर था। तो क्या अब भी वैसे ही होता रहेगा? देखो अब हिबा और अहमद भी नहीं है जो हमारी सुलह सफाई करवाए। लेकिन शोहरत तो मिलेगी ना? अभी भी? जी हाँ। मतलब हम लोगों की शादी हो गई है, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, तो क्या थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इवन थोड़ी सी भी नहीं। और वैसे भी अब तो आपके बाबा भी मेरे साथ हैं, तो बस खैर मनाइए अपने बच्चों। क्या वाकई? वैसे तुम्हारे मुंह से सुन के अच्छा लगा, बाबा के लिए बाबा। पता है जितनी मोहब्बत से उन्होंने हमारे लिए फैसला करवाया, सच में दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। ये बात तो है। अच्छा मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, यहाँ कोई सर्विस तो है नहीं, जरा उठ के अपने प्यारे से हाथों से यहाँ चाय बना दीजिए प्लीज। ओके चलिए। हमें उस वक्त जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ से, हमने बहुत बड़ी गलती की। नहीं बेटा, मैंने कहा ना इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने सोचा कि शायद तुम किसी और। मिसेस दानियाल खान, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इतना बेबस नहीं हूँ कि एक दोस्ती के पीछे मैं अपनी सारी जिंदगी स्पॉइल कर दूँ। अहमद नाम का लड़का है, उसकी माँ तुझे बहुत मानती है। कौन सरकार? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। चलो ठीक है, बात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। वाह भाई, कौन है ये खुशनसीब जिनकी आवाज सुनकर इतना मुस्कुराया जा रहा है? कौन होगा? पहले हिबा फिर अम्मा। ये क्या कर रही हैं दोनों अकेले अकेले? नाश्ता चल रहा था और अहमद लेकर आया था नाश्ता, हमारा फेवरेट वाला। अच्छा जी, तो हमारे बगैर नाश्ते किए जा रहे हैं, वो भी मेरा फेवरेट यानी कि निहारी। मैंने भी बस यही कहा। चलो इनसे भी दो दो हाथ कर लेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक बहुत बड़ी बला टल गई। कुछ नहीं। अरे कुछ तो बताओ। दानियाल तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, ये बात मुझे शुरू से पता थी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इतने अच्छे इंसान हो, बिलीव मी दानियाल, मुझे नहीं पता था। औखा मान जारा, देखो तुम मेरी बीवी बन गई हो, उसका हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त से हाथ धोना पड़े। What do you mean? मतलब ये कि तुम जैसी थी ना वैसे ही बहुत अच्छी हो। प्लीज ये टिपिकल वाइफ्स वाला बिहेव मत रखना मेरे साथ, तुम चिड़चिड़ी बहुत अच्छी हो। अनुषा हम लोग दोस्त पहले और हस्बैंड वाइफ बाद में। पता है मुझे, बल्कि अब तो मुझे तुमसे पहले से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। Really? वैसे काफी अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता हूं मैं। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? हेयर स्टाइलिस्ट
अब तुम्हें क्या हुआ? खुशी। किस बात की? आज बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर रौनक देखी, तुम्हें खुश देखा। कितना घिनौना और सफाक चेहरा है तुम्हारा, अब भी कुछ रह गया कहने के लिए? नहीं शहजाद, प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था। मुझे पाने के लिए तुमने मेरी खुशियों, मेरी जिंदगी को तबाह कर डाला। इस दिल से जुड़े हर रिश्ते को तोड़कर तुम इसी दिल में बसने की कोशिश कर रही। मोहब्बत तो अपना सब कुछ वार कर हासिल की जाती है अनुशे, किसी को लूट कर नहीं। शहजाद प्लीज। मर गया शहजाद और तुमने मारा है उसे, तुम कातिल हो अपनी मोहब्बत की। चाहा था जिसे अपना, जाने क्यों मुझे छोड़ गया। हर अब ना ये घर तुम्हारा है और ना ही मैं तुम्हारा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो यूं तोड़ गया, हम मास लगाए रखते हैं, वो साथ छुड़ाए जाते हैं, पहले तो अपने लगते हैं, फिर और किसी के हो जाते हैं। आंटी थोड़ा सा पानी और पी रहे हैं? नहीं थैंक यू बेटा। आप तो ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपकी हालत देखकर मैं बहुत डर गई थी। जारा तो मुझे कभी माफ नहीं करती। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हमें उस वक्त जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ से, हमने बहुत बड़ी गलती की। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो अपने बताए हुए टाइम से पहले ही आ गया। मैं जानती हूँ तुम लोग अपने मसलों में इतने परेशान हो, ऊपर से हमारी परेशानियां भी। इस वक्त आप कुछ मत सोचें आंटी, बस रेस्ट करें। अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह मेरे बच्चों को बहुत सी खुशियां दे। आमीन। मैं आपको सर दबा देती हूं। हेलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो ऐसे एक दो बातों पे गौर कर रहा था जरा। एक बात बोलूं दानियाल? हाँ बोलो। दानियाल अगर तुम्हें एक मिनट के लिए भी ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया, तो और कभी भी ऐसा लगे कि मैं बोझ बन गई हूँ, तो प्लीज दानियाल तुम सिर्फ हल्का सा इशारा कर देना, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। ये देख लो, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ या तुम्हारी शादी किसी पागल से हो गई है? नहीं वो मैं दरअसल। क्या दरअसल? मैंने सोचा कि शायद तुम किसी और। एक मिनट, मिसेस दानियाल खान, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इतना बेबस नहीं हूँ कि एक दोस्ती के पीछे मैं अपनी सारी जिंदगी स्पॉइल कर दूँ। क्या मतलब? मतलब इट्स वेरी सिंपल यार, कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाह रहा था। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? सरप्राइज ये कि ज़ारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और अभी से नहीं बहुत सालों से। झूठ। इधर देखो, मैं बच्ची नहीं हूं कि तुम मुझे बहला रहे हो। तुम्हारी कसम ज़ारा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। सच्ची? 100%। चिड़चिड़? ये कब खत्म होगा चिड़चिड़? मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता चल जाएगा।
अभी तो शुरुआत है। हाथों में जान नहीं है तेरे, हाँ खाते हो बकरी की तरह है, जान नहीं है हाथों में। साहब साहब वो बाहर बाबा जी आए। तुझे पता है, पता है ना तुझे कि मेरे आराम का वक्त है ये। मैंने उनसे कहा था अब, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने बुलवाया उन्हें। उठा के रख उसको, 3-4 घंटे तक बाहर कर लाना अंदर। ठीक है साहब। सुन भेज दे उसे। जी हुकुम साहब। जान लगा, जान लगा। सलाम साहब। पीर साहब, चार साल तक अमेरिका में चोरी चोरी खेलते रहे, यहां आके ये गेटअप, सही ढोंग रचाया है तूने, सही। कभी कभी खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं, एक काम पड़ गया है तुझसे। हुक्म करे माई बाप, हुक्म करे। अगर आप ना होते तो मैं आज भी अमेरिका की किसी जेल में सड़ रहा होता। मेरे सर पर हाथ रखने वाले, मुझे उस मुसीबत से निकालने वाले आप ही तो है सरकार। हुक्म करें। बस ज्यादा खुशामद पसंद नहीं है मुझे, हाँ एक काम है वो कर दे मेरा। जी सरकार, हुक्म करें। एक अहमद नाम का लड़का है, उसकी मां तुझे बहुत मानती है। कौन सरकार? हसीना नाम की कोई औरत है। हसीना? हाँ हाँ है, तो बहुत ही कमजोर अकीदे की जाहिल औरत है। उसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। सरकार, आपकी बेटी के साथ? ना, उस लड़के ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी की शादी अपने एक दोस्त से करवा दी है। मैं उसे ऐसी सजा देना चाहता हूं कि उसकी आने वाली नस्लें भी मेरा नाम सुनकर कांपे। हुक्म करें सरकार, मैं आपके किस काम आ सकता हूं? सुन, वो औरत और उसका बेटा दोनों इसी शहर में रहते हैं, लेकिन
तुझे इस तरह से मेरा ये काम करना है कि उनको कानो कान इस चीज की खबर ना हो। सरकार ज्यादा दे दानियाल, जब मैं अम्मा की जिंदगी में आई तो उनको तलाक हो गई। अब मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में तूफान मेरी मनहूस। तुम क्यों ऐसा सोचती हो? देखो जारा, तुम मेरी बीवी हो और सबसे बढ़कर तुम मेरी दोस्त भी हो। कौन? जो दुआएं मैं मांगती हूँ वो पूरी होंगी ना? कौन सी दुआएं बेटा? यही कि आपकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए। तुमने कहाँ से देख लिया मेरी आंखों में कब आंसू आए? आंसू हैं, और इन्हें महसूस करने के लिए आपका मेरे सामने होना जरूरी नहीं है।